नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आप कोरोना का नाम सुनते थे, लेकिन अब ब्लैक फंग्स बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। क्या है यह तीसरी लहर के रूप में आया है? क्या है यह ब्लैक फंग्स? तो चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में पूरी जानकारी। ब्लैक फंग्स बहुत खतरनाक है, जिसका खतरा व्यक्ति को जिंदगी तक तबाह कर सकता है। तो अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हो तो आप इस महामारी से बच सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे आप इस महामारी से किस हिसाब से बच सकते हो। इस समय ब्लैक फंग्स के मामलों की संख्या 10,000 से ज़्यादा पहुंच गई है। आपको बता दें कि लगभग 500 से ज़्यादा लोग अपने जाने गंवा चुके हैं, इसलिए यह बीमारी भी गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं कि इससे बचे कैसे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना ने लाखों लोगों को चपेट में ले लिया है। जैसे तैसे लोग कोरोना से तो ठीक हो जाते थे, लेकिन इस बीमारी में लोग अपने आँखों तक खो देते हैं। यह बीमारी दांत आँख से दिमाग तक फैल जाती है। इन्फेक्शन को रोकने के लिए आँख व जबड़े को निकालना पड़ता है, इसलिए यह बीमारी महामारी के रूप में घोषित हो चुकी है। जिसको कोरोना वायरस हो जाता है उनकी इम्यूनिटी क्षमता कम हो जाती है, और साथ ही साथ शुगर की बीमारी भी होती है। कोरोना वायरस होने के बाद तरह तरह की एस्ट्रॉइड इस तरह असर करते हैं कि ब्लैक फंग्स फैलना शुरू हो जाता है, तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। वैसे तो कोरोना की दूसरी लहर ने अपनी रफ्तार कम कर दी, लेकिन ब्लैक फंग्स को समय रहते हुए नहीं रोका गया तो यह कोरोना की दूसरी लहर से खतरनाक साबित हो सकता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इस बीमारी से कैसे बचे, तो आपको बता दें कि आप पहले कोरोना से बचें, क्योंकि यह उन्हीं को हो रहा है जो कोरोना के मरीज है। और अगर आपको कोरोना हो चुका है तो ब्लड शुगर को चेक करवाते रहे और उनको नियंत्रण में रखें, और आप समय समय पर डॉक्टर की परामर्श के हिसाब से ट्रीटमेंट ले। ब्लैक फंग्स के लक्षण दिखने पर इम्यूनिटी बूस्टर की दवाइयों को बंद कर दे और शरीर में पानी की कमी नहीं होने दे। इस समय चारों ओर महामारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस महामारी को बिल्कुल हल्के में नहीं ले, क्योंकि इस महामारी में व्यक्ति की आंखें और जबड़े तक गंवाने पड़ते हैं, जो पूरी ज़िंदगी परेशानी होती है। इसलिए आप इस महामारी से बचने की पूरी कोशिश करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।